हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो में डीएलएड प्रशिक्षुओं से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें। और इस वीडियो को आप पूरे लास्ट तक देखिएगा और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स होंगे उनको भी जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, बात की जाएगी फ्रेंड्स और साथ ही साथ बैक प्रशिक्षुओं से रिलेटेड और सभी सेमेस्टर से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स इससे रिलेटेड भी आ रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि डीएलएड परीक्षाएँ 3 जुलाई से स्टार्ट है और आप सभी के पास बहुत ही कम टाइम है। और इसको लेकर हमने पहले भी कहा था कि आपकी तैयारियां चल रही हैं, आपको स्पेशली मैथ की क्लासेस और जो भी इम्पोर्टेंट क्लासेस होगी आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट इसके बाद वीडियो अपलोड की जाएगी मैथ की डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की, आप जाकर ज़रूर देखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक मैराथन बेस पे ये आप सभी की क्लास होगी, ठीक है। अब देखिए, आप सभी के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि जो आपका सेंटर है वो उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा या फिर आपके जो एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, प्रोसेस क्या होगा, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो भी डीएलएड बैक प्रशिक्षु हैं कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं कि कहीं हम शिक्षक भर्ती से बाहर ना हो जाए या फिर शिक्षक भर्ती में शामिल होने का उन्हें एक मौका मिलेगा या फिर नहीं। हालांकि फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बिहार शिक्षक बहाली लगभग 1 लाख+ पदों पर हुई है और जिसमें अपीयरिंग वाले जो भी मतलब कैंडिडेट हैं डीएलएड बीएड सीटेट के कैंडिडेट, उन सबको मौका दिया जा रहा है, तो वहाँ के लिए सबसे अच्छी बात है। हालांकि अभी कोर्ट केस जो भी मैटर है वो मतलब कि अन्य राज्यों को या फिर यूपी वालों को मौका मिले तो इसको लेकर भी बातें चल रही हैं, तो अपडेट होगा तो आप सभी को दी जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए डीएलएड में, अगर आप यूपी में हैं, अगर आप यूपी शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो आप डर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा 4-5 महीने तो इनका आयोग द्वारा जो भी गठन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट अभी तक नहीं हुई है। ओनली 12 सदस्यों का जो पूरा प्रोसेस है उसे कंप्लीट करा गया है, लेकिन आगे का निर्णय या फिर नियमावली में कुछ चेंजेस होंगे तो उसके बाद ही कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा आयोग द्वारा। अगर मान लीजिए आयोग पूरी तरह से बनकर तैयार भी हो जाता है तो सबसे पहले यूपी टेट एक बार फिर से कंडक्ट कराएगा, उसके बाद ही शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो अभी आप सभी बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जो भी डीएलएड के बैक प्रशिक्षु हैं, जो भी डीएलएड के फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं, आपकी परीक्षा 3 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, 8 जुलाई तक। तो आप सभी अच्छे से अपना पेपर दीजिए और पेपर आप सभी को कैसे लिखना है, कॉपी कैसे लिखनी है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि डीएलएड में ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो इस पर अलग से आप सभी को एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और आप सभी अच्छे से तैयारी करिए और साथ ही साथ जो भी प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं, आपकी जो परीक्षा है फ्रेंड्स, अभी जब तक कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आ जाता और जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है आप सभी की हियरिंग यानी कि 6 जुलाई को है, तो कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी को दी जाएगी। बिल्कुल भी आप सभी को यहाँ डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि एनसीटी आपके तरफ है, ठीक है। और बाकी आगे देखते हैं कोर्ट द्वारा और पीएनपी और एससीईआरटी द्वारा क्या जवाब दिया जाता है कोर्ट को, ठीक है। अब बात यहाँ यह आ जाती है, जिन भी प्रशिक्षुओं की परीक्षा है 3 जुलाई से, उनका एडमिट कार्ड या फिर सेंटर, जो कि पहले सेंटर लिस्ट जारी हुई थी उसके बाद से तारीखों को लेकर चेंजेस देखने को मिले हैं, तो फ्रेंड्स हमें नहीं लगता है कि जो आपकी सेंटर लिस्ट है उसमें कोई चेंजेस देखने को मिले, है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड पीएनपी द्वारा अभी कोई भी नोटिस जारी नहीं की गई है। तो आप कह सकते हैं कि अभी प्रक्रिया जैसी है वैसी ही है। लेकिन हाँ, रही बात आपकी एडमिट कार्ड की, तो फ्रेंड्स एडमिट कार्ड जो है आपके कॉलेज द्वारा संपर्क मतलब आपके व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाए गए हैं उसमें आप सभी को एक व्हाट्सएप मैसेज लिख के दे दिया जाएगा कि भैया जो आपका एडमिट कार्ड है वो आप आकर ले जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर, आप छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए और आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है। बाकी आगे कोई भी ऑफिशियल जानकारी आती है, और फ्रेंड्स अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, आपको यहाँ सारी अपडेट आपके राज्य की या फिर अन्य राज्य की जिसमें आप एलिजिबल होते हैं शिक्षक भर्ती के लिए, या फिर अगर आपने यूपी टेट सी टेट पास किया है, नहीं किया है तब भी आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, ये सब जानने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।